Hi, मैं हूँ सोनाली बेंद्रे. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. यार 90s के गाने हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए. हाय हाय, क्या बात कही है. लेकिन इसमें तड़का लगने वाला है इंटरनेशनल डांस स्टाइल्स. हाँ, और ये अभी मतलब 4 ही हफ्ते हुए हैं हमारे बच्चे यू नो अपने खुद के स्टाइल्स कर रहे हैं, लेकिन वो अभी अटेम्प्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टाइल. सो इट्स रियली अ बिग चैलेंज एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस. नेक्स्ट वीक होने वाला है इंडियाज बेस्ट डांसर का दूसरा एलिमिनेशन. इसका मतलब सभी डांसर्स को बेस्ट की रेस में बने रहने के लिए 2 मौके मिलेंगे. सो डांसर्स ऑल द बेस्ट. तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को. Amazing. I love what you do. I love it. Love, love. Geeta Ma. है ना, एकदम वो फील था ना यार. मैं सौम्या को देखती हूँ तो वो भावना मेरे अंदर जागती है कि काश आई कुड मूव लाइक दैट. The way you move is just stupendous, fantabulous, fantasmagorically magical. Thank you so much, ma'am. Boogie, मुझे थोड़ा इस स्टाइल के बारे में elaborate कर दे. Ma'am, this style is basically called pharaonic.
There is a lot of tatting based movement in this. Right. But mainly, hum log Egyptian angles zyada use karte hain. Iske andar there is this element called serpent flow. Serpent flow matlab saap ki tarah move karna. Haan. Okay. इसमें कुछ-कुछ belly dancing का भी elements है. Amazing. Well choreographed. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप कुछ नया लेके आए इस मंच पे. Thank you for this performance. Thank you so much, ma'am. Saumya is such a strong dancer. लेकिन I have to say, Boogie, इतनी strong dancer होते हुए भी आप अपनी तरफ नजर खींच लेते हो. And वो easy नहीं है करना, because she's fantastic. तो आप वो करते हो और जैसे हफ्ते गुजर रहे हैं, you're getting better at it. Thank you so much. Hats off. Lovely. Today, Boogie, you were fantastic. You were brilliant, especially जब आपका solo section आया, जहाँ पर दो टुकड़ों में आपने ये present किया. एक light change हुआ और सौम्या बिच्छू बन गई and उसके पीछे आप खड़े थे. That was such a stunning moment for me. Boogie, I just want one thing from you. Understand गाना क्या है. And अगर आप गा रहे हो तो पूरा गाओ या मत गाओ. जो गाने का जो रस है ना उसको पकड़ो and feel it. Correct? Okay? So all the best. I want you to give her 10 bucks. Thank you, sir. 9 marks. Thank you so much, ma'am. Aapka bahut dil khush hai aaj. Kya baat hai, to aapka total hota hai 29. Excellent. Welcome back to India's Best Dancer. चंदा रे कभी तो समी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे. तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल गने. Wow. गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा. गुलशन गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा. जंगल जंगल पर्वत पर्वत है नींद में सब एक मेरे सिवा. चंदा चंदा आजा सपनों की नीली नदियों में नहाए. आजा yeah, wow. Amazing, guys. Zor da taali ho jaye Samarkand and Paramjit ke liye. What a performance. मैं टेरेंस से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. ये थ्रेडिंग था इन लिरिकल कंटेम्पररी. कितना डिफरेंट है थ्रेडिंग और लिरिकल? बिकॉज लिरिकल कंटेम्पररी में भी आपके मूव्स फ्लो होते हैं, हिट एंड मिस होते हैं, और थ्रेडिंग में भी फ्लो है. थ्रेडिंग इज मोर फ्रॉम द जॉनर ऑफ हिप हॉप. हिप हॉप के अम्ब्रेला में आता है वो. और लिरिकल कंटेम्पररी इज अ पार्ट ऑफ कंटेम्पररी. ये दो अलग दुनिया है. थ्रेडिंग जो है इट्स बेसिकली किस तरीके से एक धागा सुई के अंदर जाते हैं, उसी तरह के हाथ और पैर अगर आप देखोगे दीज क्रिएट शेप्स, और वो शेप्स बहुत यूनिक होते हैं. एंड दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड थ्रेडिंग बेसिकली.
Like in your first chunk itself, can we just show that section so we can make it more clear? Beginning mein hi tha aapka pura. Yeah, correct, from there. देखे अब वो एक सुई बना. हाँ देखो अभी हाथ अंदर जाएगा, लॉक हो जाएगा, फिर वहां से अंदर जा रहा है. सो गैप्स के अंदर जिस तरीके से जा रहा है वो, दैट्स ऑल कॉल्ड थ्रेडिंग. इंडियाज बेस्ट डांसर के गूगल चाचा के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है. 90s के गाने को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ देखना बहुत मजा आ रहा है उसमें. सो रियली हैट्स ऑफ टू कोरियोग्राफी. मुझे वो जो फिनिशिंग था आपका चंदा की तरफ देखने वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा. सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट, वेल डन एक्ट फॉर मी. क्या बात है. परम, जिस तरह से आपने थ्रेडिंग को इनकॉर्पोरेट और इंटरप्रेट किया आपके डांस में, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. खास करके वो ओढ़ के बादल वाला सेक्शन जो किया आपने. तुझको आते इधर लाज आए, अगर ओढ़ के आ जा तू बादल. और एक टाइम पे हवा के लिए फूंकते हो एंड द वे समर्पण हैज वेव्ड टू इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू. तो आपका टोटल होता है 27. बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में स्पेन का डांस स्टाइल फ्लेमेंको परफॉर्म करने आ रही है एक्सप्रेशन की सल्तनत की रानी साहिबा. हरिद्वार उत्तराखंड से हांस वी टोंग और इनकी कोरियोग्राफर अनुराधा अयंगा. खून किया हमारे पास सबूत है. उम्र क्या थी? It was a planned murder. बस हाँ, मैंने खून किया है. सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो गई, पर ये गलती मैंने जानबूझकर की. मेरा सो कॉल्ड पति, मैं उसे बेइंतहा प्यार करती थी, पर क्या वो मुझसे उतना ही प्यार करता था? क्लब में मिला था वो मुझे, गुड लुकिंग, रिच एंड सिंगल. पर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? फोन पे किसी का कॉल आया. हेलो, कहां हो तुम डार्लिंग? मैं कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा. यू ब्लडी लायर. एक पार्टी में बहुत पीने के बाद उसके फ्रेंड ने मुझे एक सीक्रेट बताया. झूठ कहा था कि वो सिंगल है. सिंगल माय फुट. हमारी कहानियां अलग थी, पर धोखा देने वाला एक ही था. मेरा सो कॉल्ड पति क्लब में मिला था मुझे, उसके फोन पे कॉल आया, उसके फ्रेंड ने एक सीक्रेट बताया. यू ब्लडी लाया. सिंगल माय फुट.
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर ये गलती हमने जानबूझकर की। I like, I love the red also. Very good. And what a performance, guys! Hansvi, I'm so proud of you today. Because, you know, Kathak is a kind of dance style which is different. And the flamenco, usme body language is very kadak. Ek attack chahiye in flamenco. And that's what you did. Shoes ka sound bahut important hai flamenco mein. Kyunki unki awaaz se ek alag level ka ek dance chalta hai. उसके ऊपर कहानी भी दर्शाई है। आज हमारे बेस्ट का इंटरनेशनल टेस्ट है एंड आप आज बहुत खरी उतरी हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड आई हैव टू से यू डिजर्व द क्राउड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। दिस वन इज फॉर यू द कोरियोग्राफर एंड फॉर द कंटेस्टेंट। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। Hats for you both. Really love. क्या बात है। Hansvi, yes ma'am. जब से आप इस मंच पे आई हैं, ऑडिशन से लेके आज तक मैंने आपके पैरों में कभी कोई भी फुटवेयर नहीं देखा। आज आप परफॉर्मेंस के टाइम पे यू आर वेयरिंग शूज, दिस इज न्यू फॉर मी ऑल्सो। ये कितना नया था आपके लिए एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस लर्निंग दिस एक्ट? माँ, आज तक मैंने कभी हील्स में डांस किया ही नहीं है। कभी नहीं? कभी भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। ओके। तो फर्स्ट डे से मैंने रिहर्सल हील्स में ही स्टार्ट किया। बहुत बार लगा कि नहीं होगा, बैलेंस जा रहा था, पर मैं कर पाई बिकॉज ऑफ हर। आपने किया ही नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम। स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली, फैंटास्मगोरिकली, मैजिकली किया। थैंक यू मैम। Congratulations, Hansvi. आपको मिलते हैं हमारे जजेस से 30 marks, best performance आपको मिला है। जहां हम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जहां वो जाएगी वहीं हम जाएंगे। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। ओ यारो ये हमें लगती है सफदी, अरे आओ चखा दे मजा।
प्लीज मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो. इट्स ओके. मुझे एक और बात कहनी थी. क्या? ये गीता मैं आपसे शुरू करेंगे. ये हमेशा मेरे पे क्यों आता है डिस्कशन के बाद यार? शुरू कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट वॉज अ ठीक ठाक एक्ट. ग्रेट अटेम्प्ट. आई एक्सपेक्टेड चीरफाड़, लेकिन चीरफाड़ हुआ नहीं. समथिंग वॉज मिसिंग. आपको भी लगता है कुछ मिसिंग था? हाँ, मतलब आप ही से पूछूंगी ना. मतलब क्या अभी बास्केटबॉल कोर्ट से पूछूं? आपको लगता है आपने 100% दिया, तो हम लोग आगे बढ़ के बताते हैं कि मिसिंग क्या है. मैम, शायद एक दो जगह ट्रांजिशंस का शायद ना. तेरे को भी यकीन नहीं है ना? मतलब तुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है. आई टेल यू व्हाट वाज मिसिंग इन योर एक्ट. करेक्ट. Should we all three say what we were missing in the act? I think because so. Because we generally and genuinely felt that that was the one thing that was missing in the act. What is missing in your act is? सॉरी. देख यार, ऐसा है ना कि द कॉम्बिनेशन इज आउटस्टैंडिंग. शिवम है यार, तेरे पास ट्रिक्स बहुत हैं तेरे बैग में. एंड मुझे जो अच्छा लगता है इज दैट सोनाली, व्हेन यू कोरियोग्राफ हिम ना, यू आर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स टू द टेबल. एंड ट्रस्ट मी, देयर वर सम वेरी वेरी हार्ड डिफिकल्ट मोमेंट्स, लाइक दैट ट्रिपल टर्न दैट यू डिड. वो टफ है करना. व्हेन यू लिफ्ट हर, और आपने भी जंप किया है साथ में, वो इजी नहीं है करने के लिए. आई लव द नी ड्रॉप जो आपने किया बार बार, रिपीटेडली 1 2 3 स्पिन करके जो मारा, और फिर उसके बाद एक बीट आया चिंग चिंग चिंग, और वो चिंग चिंग पे जिस तरीके से आपने उसको खेला, और उसके बाद सडनली आपका पैर एक स्किपिंग रोप बन गया और आप उड़ी मारी. लवली, अमेजिंग. टेक्निकली जाइव जो है उसके लिए एक रिदम पैटर्न चाहिए विच इज ऑलवेज बाउंसी. एंड हमने कितने हॉलीवुड फिल्म में देखी है वो, उसको सही मायने में पकड़ना और वो जॉयफुलनेस दैट यू ब्रॉट ऑन स्टेज. सो आई लव दैट. वेरी गुड. थैंक यू सर. वेल डन सोनाली. थैंक यू. शिवम, ये आपका जॉनरा नहीं है, और ये एक नया स्टाइल 5 दिन में सीखना बिल्कुल इजी नहीं है. हैट्स ऑफ टू यू. वेल डन बोथ ऑफ यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. सोनाली, सॉरी हमने आपको रुला दिया. नहीं मैम, नहीं. तो रोई क्या? क्योंकि ना मैंने इस हफ्ते बहुत मेहनत किया, और इसको बहुत डांटा भी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक अलग ही डांसर है, एंड उसको ये स्टाइल में लाना मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. डांस के टाइम पे लाफा भी मारा है, उसने मेरा बाल निकाल दिए, क्योंकि एक पकड़ा हुआ करके नीचे रखा, बाल इसके पैर के नीचे था, और लिटरली उसे खींच डाला. तो मैंने बहुत डांटा है. मच्छी जल रहा है कि बाकी लोगों के बाल है, मेरे जा रहे हैं.
जाइव में ऐसा था कि पूरा टाइम पार्टनर वर्क ही था. तो मतलब मेरे को लड़की को हैंडल करना नहीं आता सीरियसली. तो मैं कभी जानते हैं रियल लाइफ में भी नहीं कर सकता. सिखा रही थी मुझे कि प्रॉपरली कैसे हैंडल करना. तो ये हफ्ता मेरे को सच में बहुत डांट पड़ी है, बट वो मेरे अच्छे के लिए, सो थैंक यू. क्या बात है यार. ब्रॉडकास्टर से पूछते हैं मैम. अरे मेरा ब्रॉडकास्टर बेटा. मैम मैं क्या बोलूँ आपको, हम लोग कब से इसको बोल रहे हैं लड़की ढूंढ ले प्लीज शादी कर ले. हमने तो संगीत का डांस भी रेडी रखा है कि इसके शादी में डांस क्या करेंगे. खत्म खत्म, मेरे को देखना है ये. कम ऑन माय ब्रॉडकास्टर, ब्रिंग योर ट्रूप गाइस, लेट्स गो. नशे दिया पुड़िया, नशे दिया पुड़िया, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना. चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना. Oh, nice. तगड़ा है जंगल से पकड़ा है सीन दिखाता है. बहुत मजा आया ये मूवमेंट के बाद. तो अभी सच में लग रहा है कि मेरी शादी हो जाए. मेरे को अभी संगीत हो गया, अभी मेरे को अंगूठी ढूंढने का भी करना है, हल्दी भी करना है, घोड़ी में भी चढ़ना है. मैं सेहरा तो साथ में लेके घूमता हूँ, बस अभी लड़की मिल जाए. थैंक यू सो मच आईबीडी का टीम. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.